नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। एक तरफ जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं, तो दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी यहां से गिरफ्तार करने के लिए प्लान बना रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले 6 समन ईडी की तरफ से भेजे गए हैं, जी हाँ, 6 समन अरविंद केजरीवाल को ईडी भेज चुकी है और आने वाले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति मामले में घोटाले से संबंधित पूछताछ ईडी यहां पर करना चाहती है और उनके तमाम मंत्री इस मामले में जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शराब नीति मामले में जो कि कोरोना के वक्त पर लाई गई थी, वहां पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण कई उनके मंत्रियों को जेल हो चुकी है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे दिग्गज नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो दूसरी तरफ आतिशी सिंह को भी क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस थमा चुकी है, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव आने से पहले इन तमाम दिग्गज नेताओं के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को नोटिस पे नोटिस मिलना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ाने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर लगातार इस चंगुल में फंसते नजर आ रहे हैं, तमाम 5 बार जो समन अब तक जारी किए गए थे उनके जवाब अरविंद केजरीवाल के दफ्तर की तरफ से लिखित रूप से भेजे जाते हैं ईडी को, लेकिन ईडी कहती है कि हमें तो पूछताछ करनी है, शराब नीति मामले में हमें पूछताछ करनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि किस आधार पर पूछताछ करनी है, क्या मुझे गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया जा रहा है, या मेरा शराब नीति मामले में कोई किसी प्रकार का दखल नहीं है। आबकारी मंत्रालय उस वक्त मनीष सिसोदिया के पास था, संजय सिंह के करीबी दिनेश अरोड़ा के साथ मिलकर उनसे लेन देन का भी आरोप लगा था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो नोटिस आ रहे हैं वो पूर्णतया से राजनीति से प्रेरित है, यानी कि आने वाले चुनाव में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो है निशाना बनाने वाले हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार जो बढ़ता उसका सियासी कदम है वो बीजेपी को रास नहीं आ रहा है और इसी कारण तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि बीजेपी सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चुनाव को बंदूक की नोक पर जो है जीतना चाहती है, तमाम धांधलेबाजी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश को फॉलो नहीं किया जा रहा है और ऐसे में देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, आगामी वक्त में इन काले अंग्रेजों को देश की राजनीति से उखाड़ कर फेंकने का काम देश की जनता करने वाली है। अब देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो लगातार नोटिस आ रहे हैं इसका अंजाम अंतिम वक्त तक क्या होगा, क्या अरविंद केजरीवाल को भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।